मूवी देखने जाना हमेशा एक चूहे की तरह होता है। आपको कभी नहीं पता कि आप किसके बगल में बैठेंगे। हमेशा ऐसा कोई होता है जो अपना फोन साइलेंट मोड पर करना भूल जाता है। जरा सुनो मोहतरमा, आपको किसी की कॉल आ रही है। ओह हाँ, ये मेरा ही है। मेरा फोन कहाँ है? मेरे बैग में। नहीं तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? पॉपकॉर्न में से। हाँ ये रहा, मिल गया। आखिरकार यहाँ शांति होगी। तुम्हारी इच्छा। हेलो, मैं मूवी देखने आई हूँ। नहीं मैं व्यस्त नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि वो पूरी मूवी की कहानी फोन पे ही सुनाने वाली है। ये तो बहुत बढ़िया है। मूवी 20 मिनट पहले ही शुरू हो चुकी है और वो अब थिएटर में आ रहा है। महान, देर से आने वाला आदमी। आपको पहले से पता है कि वो सबसे टकराने वाला है। उसके पॉपकॉर्न गिरने वाले हैं और वो अपने फोन की लाइट सबके मुंह पर चमकाएगा। दोस्त बैठ जाओ इससे पहले किसी को चोट लगे। वो उसे देखो, क्या तुमने उसकी चेस्ट देखी? उसको इस मूवी में होना चाहिए था। पामेला एंडरसन की जगह। क्या यहाँ गर्मी बढ़ रही है या इसकी वजह ये है? सब स्क्रीन की जगह उसे देख रहे हैं। हे, वहाँ क्या हिल रहा है? क्या ये एलियन है? नहीं यहाँ कोई एलियन नहीं। मैं कभी भी अपने पपी के बिना मूवी नहीं देखने जाती। पकड़ लिया। सबको 3D मूवी पसंद होती है लेकिन मुझे बाथरूम जाना है। ओह, यहाँ एक छोटी दुर्घटना हो गई थी और मेरे पड़ोसी की सीट गीली है। ये क्या गंध है? ये कैसे हो सकता है? ये सोडा किसने गिराया? गुस्सा मत करो दोस्त, सबको लग रहा है कि तुम बस एक और असली 3D ग्राफिक हो। वो ये स्पेशल इफेक्ट बहुत बढ़िया है। ये कितने असली लग रहे हैं। देखने वालों सावधान, हमें संगति मिल गई है और ये थिएटर के सबसे बेकार कपल है। उनके पास सबसे कुरकुरे स्नैक्स है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चबाने की आवाज। लेकिन रुको, अभी और भी है। फ्लैश, हे, ये रोशनी बंद करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन सबको परेशान कर रहा है। नहीं हनी, तुम्हारी च्युइंगम मेरे फोन से भी बेकार है। बढ़िया, अब वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। हम यहाँ कॉमेडी देखने आए थे लेकिन अब हमें यहाँ पे दूसरी शादी की कहानी मिल रही है। ओह नहीं, इस आदमी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये थिएटर में ट्विलाइट सुपर फैंस के साथ आ गया। टीम एडवर्ड वर्सेस टीम जैकॉब, वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ्स, ये तो जंग है। माफ करना, प्लीज शांत हो जाओ। ये ट्विलाइट नहीं है, ये बिल्कुल अलग मूवी है। क्या तुम देख नहीं सकते? ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है। ओह सही, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? टीम सुपरमैन वर्सेस टीम बैटमैन, किसका हीरो बेहतर है? ये थिएटर में कैसी बदबू है, क्या तुम भी सूंघ सकते हो? हे, तुम क्या सोच रहे हो? ये मैं नहीं हूँ, ये चीज़ी पॉपकॉर्न है। ओहो, मैं शर्ट लगा सकती हूँ। मोहतरमा आप मेरी जगह पर बैठी है। ओह सच में, माफ करना। मोहतरमा दरअसल ये मेरी सीट है। हो सच में, माफ करना। मोहतरमा दरअसल ये मेरी सीट है। हो सच में, माफ करना। मोहतरमा आप मेरी जगह पर बैठी है। हो सच में, इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मोहतरमा आप मेरी जगह पर बैठी है।
बेहद शर्मीली जवान लड़की के साथ एक डेट। वो पास नहीं आना चाहती। लेकिन उसकी भूख बहुत सही है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ? मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, इस थिएटर में सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, मैं शो का राजा हूँ। ओ नहीं, एक और देखने वाला। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मेरे बगल में मत बैठो प्लीज। तुम्हें क्या दिक्कत है? कुछ देखने वाले कुछ ज्यादा ही भावुक होते हैं। हर मूवी उनके नर्वस सिस्टम को तोड़ने पर मजबूर कर देती है। अगर ये ड्रामा है तो वो दुख से मर जाते हैं। ये कितना दुखद है। और अगर ये कॉमेडी है तो वो हंसना रोक नहीं पाते। क्या उसे दौरा आ रहा है? ये देखने वाले को अगर मूवी समझ नहीं आती तो वो हर बारीकी में अपने पड़ोसी से पूछती है, क्या चल रहा है, ये उसके पापा है या कौन है, ये यहाँ कैसे पहुँचे। तो ये ट्रायलॉजी का आखिरी हिस्सा है। तो पहले के दो में क्या हुआ? आह, तुम्हें भी नहीं पता, समझ गई। सब टीवी के सामने बैठकर अकेले रो सकते हैं। आपको अपने जज्बात छुपाने की और जोर की हंसी छुपाने की जरूरत नहीं। एक भावुक देखने वाली अकेली मूवी देखकर इतना बोर हो रही है कि उसे स्क्रीन से बातें करनी पड़ रही है। ज्यादा भयंकर क्या हो सकता है जब आप अकेले भूत या मूवी देखें या मूवी थिएटर में मूवी देखें। भावुक देखने वाला वैसे भी बहुत डरा होता है। एक डरावनी मूवी चल रही है, सब नहीं झेल सकते। लेकिन ये खुशनुमा जोड़े ने मूवी पर डेट पर आने का सोचा। शायद उन्हें इस बेहद भावुक देखने वाले के बगल में नहीं बैठना चाहिए था। क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें मेकआउट ही करना था तो तुम्हें चेनसॉ 4 देखने के लिए नहीं आना चाहिए था। ये पॉपकॉर्न निशाने पर जाकर लगी। आपको अपने पड़ोसी के साथ बांटना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। थोड़ी कोक, थोड़ी पॉपकॉर्न, चीज के साथ, मेरा पसंदीदा फ्लेवर। खींचना क्यों जब आप एक लंबा स्ट्रॉ बना सकते हैं। आराम से सुखी हो जाओ, थोड़ा तमीज से। बहुत शुक्रिया यार, ये पॉपकॉर्न बहुत स्वाद है। ये तुम्हारे लिए मैंने कुछ बचाए हैं। नहीं धन्यवाद, मुझे ये पॉपकॉर्न और नहीं चाहिए। अगर आप बीमार हैं, तो मूवी देखने जाना बुरा आइडिया है। अच्छू! माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ, अपने जर्म्स अपने पास रखो, ये एक बीमारों का वार्ड नहीं है। तुम्हारे पास टिश्यूज नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, अपने पड़ोसी के बाजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो, मुझे माफ करना। और अब मेरे बीमार पड़ोसी को बुखार हो रहा है, ये सबसे अच्छा है। ये मूवी मेरे इम्यून सिस्टम को डरा रही है। क्या आपको हमारी मजाकिया मूवी थिएटर के तजुर्बे पसंद आए तो नीचे कमेंट करें कि आप पहले इनमें से किसी इंसान के साथ टकराए हैं या शायद आप इनमें से एक हैं।
और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आप वो हो पर कोई भी मजेदार वीडियो को मिस ना करें।